भूटान राइड की शुरुआत हमने की थी दिसंबर में, और दिसंबर से लेके हमने 7 से 8 तारीख को वो राइड क्लोज की थी, मतलब जनवरी, और जनवरी से लेके आज जुलाई, मतलब 7 महीने हो चुके हैं। इसी 7 महीनों में मैंने कहीं अपनी बेनेली जो है वो एक दफ़ा भी मैंने निकाली नहीं है, तो आज हम स्पेशल उसको निकालेंगे और थोड़ा एक राउंड मारेंगे, चक्कर मारेंगे, क्योंकि बहुत जिनको ऐसे लग रहा है कि मेरे भाइयों को कि बेनेली कहाँ पर है, बेनेली कहाँ पर है, किसी किसी का ऐसा सवाल है कि बेनेली बेच दिए, तो गाइस नहीं, मैं ये कभी नहीं करूँगा और ये कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि बेनेली मेरी बहुत जान है। अभी कैसे बताओ हार्ट है, हार्ट माई लाइफ है मेरी, तो देखना है उसके बाद अगर मेरी जान आज शुरू होती है या नहीं और हम सैर कर पाते हैं या नहीं, तो देखना है। बारिश ने अभी बहुत मेहरबानी की है, तो बारिश अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो हम लोग निकलेंगे, और डस्ट भी ज़्यादा नहीं है, तो वॉशिंग की भी ज़रूरत उतनी नहीं होगी, तो हम लोग अभी जाएंगे कि उसको स्टार्ट करेंगे और इन्जॉयमेंट करेंगे। तो ये है हमारी पार्किंग की जगह सीढ़ियों के नीचे, और इतने दिनों बाद आज बाइक निकलेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ चुकी है। दिक्कत बोले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सर्विस तो लेके जाने ही वाला हूँ, लेकिन हमारे बाइक का ऑयल सील जो है वो टूट गया है। पहले हमने सोचा ये क्या है, ब्लैक 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 ऑयल जैसा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऑयल ही ऑयल है, और ये देखो इसकी हालत, यहाँ से लेके ये जो ऑयल सील है, ऑयल सील पूरा फूट गया है, और ये लेफ्ट साइड का फूटा है। हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखो पूरा सूखा है, सूखा, तो ये जो लेफ्ट साइड का जो ऑयल सील है वही ब्रेक हो चुका है, और हम स्टार्ट करने वाले 7 महीने बाद। टाइगर अभी जिंदा है, बस अभी टेंशन एक ही है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई कि नहीं, क्योंकि 6 महीने बाद अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नामुमकिन हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं, देख लेते हैं आज गाड़ी स्टार्ट हो गई कि नहीं, वो भी 6 महीने बाद, क्योंकि भूटान राइड के बाद मैंने कोई गाड़ी अपनी निकाली नहीं थी, और उसके बाद आज लेके जा रहा हूँ क्योंकि मूड आ गया। बस मूड आने के बाद मूड ऑफ हो गया क्योंकि ऑयल सील फूट गया है, तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, मैंने कॉन्टैक्ट किया है सर्विस सेंटर में थाना में, तो हम लोग अभी थाना में जाएंगे, आज की राइड स्पेशल थाना की। आज मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा पता नहीं, पहले तो बाइक राइड करने लगा तो ऑयल सील, अब ये गोप्रो ऑन कर रहा हूँ, तो फाइनली अपना ये गोप्रो आज बंद होने वाला है, और ना ही मैं इसको शूट कर पाऊँगा अपने स्पाइसी के साथ ऑन करके, तो देखो ऐसी कार्ड एरर, कहानी ख़त्म। अब बताओ गाइस हम लोग अभी क्या करें यार, अगर मुसीबत आनी हो तो कितनी आनी है। यार ये क्या हादसा हो गया, आज क्या हो रहा है, छह महीने बाद जब गाड़ी हम लोग निकलते हैं अगर कोई उसकी केयर नहीं कर रहा तो ये हालत होती है हमारी। पहले ऑयल एक्चुअली अभी तो गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी थी, पता नहीं कहाँ से कोई कनेक्शन या फ्यूज उड़ गया होगा, अगर इग्निशन चाबी हम लोग की नहीं लग रही तो गाड़ी स्टार्ट ही कैसे होगी और हम लोग जाएंगे कैसे। ये भी ऑफ है और ये भी इसको ऑन करो, मीटर ऑफ, शिट। यहाँ पे हमने एक कभी सॉल्यूशन ढूंढा है कि हम लोग ने मैनुअली यहाँ से पीछे की वाली सीट खोली फिर आगे की खोली, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं फ्यूज़, क्योंकि अगर इग्निशन बंद होता है तो पहले रीज़न होता है उड़ने का फ्यूज़, तो ये आप देख सकते हो 10 नंबर का फ्यूज़ है, ये ख़त्म हो चुका है, मतलब क्रैक हो चुका है उसकी तार, तो अभी हम लोग उसका दूसरा फ्यूज डालेंगे और देखेंगे चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूज दिया गया है 10 नंबर का, तो हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे, फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग वहाँ पे लगाएंगे इसको, यार नाखून नहीं है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूज निकल रहा है, और मैंने यहाँ पे एक फ्यूज डाल दिया अभी दूसरा पेड़ वाला, और हम लोग उसको कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। यस, ओ शिट, इग्निशन स्टार्ट हो चुका था और ये भी उड़ गया लगता है, मतलब कि कहीं से वायर कट हो रही है, ओ यस ये भी ब्रेक हो गया।
इसका मतलब ये है कि कहीं से कहीं शॉर्ट हो रहा है और इसका जो तार है अंदर का फ्यूज को ब्रेक कर रहा है। अब क्या करेंगे, नया फ्यूज ला के देखते। चलो पता नहीं ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, पहले GoPro का कार्ड, फोक, अब फ्यूज, आज का दिन ही पनौती है। ये है फ्यूज, और फ्यूज हमने लाए, 4 से 5 फ्यूज लाए हम लोग ने, फ्यूज निकाला और दोबारा लगवाया, उसके बाद अभी गाड़ी स्टार्ट होगी। और उसके बीच में भी जहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, जहाँ से फ्यूज उड़ रहा था, वो भी प्रॉब्लम मैं भी बताता हूँ। अब यहाँ पे तो फ्यूज आ चुका है, अब देखते हैं फिर एक बार। यस, तो जैसे ही हमने इग्निशन ऑन किया, इग्निशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा वायर है, वायर से धुआं निकला है, तो धुआं एक मतलब रॉन्ग मतलब कनेक्शन टूट गया था, वहाँ से धुआं निकल रहा था, इसीलिए फ्यूज पहले उड़ रहा था। अभी वायर हम लोगों ने उसे निकाला, रिमूव कर दिया और फेंक दिया, तो तब जाके अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो फाइनली अपनी बाइक अभी रेडी हो चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे सर्विस सेंटर, और मेरे साथ है रोहित, उसकी भी बाइक है बेनेली। तो भाई आज मुझे मिलने आया है, हम लोग दोनों भी जाएंगे सर्विस सेंटर क्योंकि उसकी बाइक की भी सर्विस करवानी है और बहुत कुछ करवाना है। तो अब चलते पहली फुर्सत में सर्विस सेंटर। महीने में गाड़ी एक हाफ साल में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हमारी गाड़ी अब वहां पर है, सर्विस स्टेशन में बैठा हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे शूट करने नहीं दे रहे, तो पॉसिबल नहीं हुआ कि व्लॉग बनाना, तो अभी आराम करना है मुझे यहीं पे। तो फाइनली अपना ये लव लेटर आ चुका है, और अपने लव लेटर में लिखा है ऑयल सील, आप यहाँ देख सकते हो फ्रंट फोक ऑयल, और इसका पार्ट टोटल वैल्यू है 725 रुपीज़, और टैक्स पकड़ के GST पूरी 145, तो टोटल हुआ है 871 रुपीज़। लेबर है 920, मतलब पार्ट जो है सस्ता है और इनका लेबर महंगा है 920, और GST भी उसके ऊपर है 165, तो अराउंड टोटल मेरा हो गया है 1957 रुपीज़। मतलब कि आज के डेट में अभी गाड़ी का खर्चा हो गया 2000 रुपये, और मुझे अभी मेमोरी कार्ड 3000 तो चले जाएगा, मतलब 5000 का फटका। इतनी सारी तकलीफें आज तक किसी ने एक साथ कभी देखा होगा आपने, वो आज का दिन हमने पाया है, जो सुबह से मैं हर तकलीफ को फेस करते आ रहा हूँ। और देखा, सर्विस सेंटर में पहुँचने के बाद भी मुझे रोका गया कि आप यहाँ पर व्लॉग नहीं बना सकते। अब मुझे बताओ हम क्या करें, क्योंकि अंधेरी में जो सर्विस सेंटर था वहाँ पे मैंने 2 से 3 ब्लॉग बनाए, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ठाणा का शोरूम यहाँ पर चालू है और सर्विस सेंटर भी, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी कि हिमांशु भाई आप यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकते। मेरी मजबूरी, मैं उसको कुछ दो या तीन बार मैंने रिक्वेस्ट भी की कि राहुल सर प्लीज़ मुझे ब्लॉग बनाने दो, थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे किस तरह से मतलब फोगल कैसे चेंज होता है, कैसे फिट होता है, ये 2-4 चीज़ें ही बस, बाकी तो कुछ सर्विस के बारे में तो कुछ भी नहीं था, ना ऑयल चेंजिंग था, ना टोटल बॉडी क्लीनिंग था, ना कुछ नहीं था, सिर्फ ये दो ही पार्ट था, मतलब दोनों भी शॉक ऑब्जर्वर, तो बस मना किया, छोड़ो, दिन ही ख़राब था। और अगर इस वीडियो में भी कुछ अगर कमी महसूस हो रही हो तो सीरियसली सॉरी, क्योंकि मेरा मूड भी नहीं था, तो भी मैंने व्लॉग बना रहा था, क्योंकि सुबह से हादसे होते आए हुए, आप लोगों ने देखा सब कुछ मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, तो भी मैं इसको सेंड करते करते ये आपके साथ मैं फेस कर रहा हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और आप ही लोग हो कि मेरे एक बस सपोर्टिव, मतलब एक एनर्जी क्रिएट करते हो आप लोग मुझे। सो गाइस, ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते, और ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करो, मेरी फैमिली मेम्बर बनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये मैं लाइक जो बोलता हूँ ना, ये लाइक से एक्चुअली मुझे कुछ नहीं मिलता सीरियसली, बट आपका लाइक है ना, एक अंदर से पावर क्रिएट करता है कि नहीं मेरे भाई लोग उनको पसंद आ रहा है, वो लाइक करें मुझे, और
सब्सक्राइब करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से भी मुझे कुछ नहीं मिलता, मतलब प्रॉफिट ऐसा पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, एक एनर्जी मिलती है। हमारी जो फैमिली है वो अब बढ़ते बढ़ते जा रही है और बहुत ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए और स्पेशल जगहों पे जाऊंगा, वहाँ पे भी मैं एक्सप्लोर करते करते आपको सब बताते जाऊंगा और सारी लाइफ पूरी शेयर करते रहूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो, मैं ऐसे भी बोलता हूँ, वो तो आपको पता ही है कि सपोर्ट की ज़रूरत है इस भाई को, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, कुछ भूल गया हूँ, कुछ भी जो भी आपके दिल में आए, रो ना करो, कमेंट्स करो प्लीज़। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, जितने भी आपके सवाल है उनके सारों सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। टेंशन मत लो यार, भाई हो तुम्हारा। तो आने वाले संडे को एक हमारी शॉर्ट एड होने वाली है, तो मिलते संडे व्लॉग में। गुड बाय।